हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एस एस सरप्राइज। इस वीडियो में आपको 15 मार्च 2024 को जो 10th क्लास का ज्योमेट्री का महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम हुआ है, इस बोर्ड एग्जाम के कंप्लीट क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मैं आपको शो करने वाला हूं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एमसीक्यू से फर्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द डेट्स गिवन बिलो विच डेट कॉन्स्टिट्यूट्स अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सो मैं आपके सामने सॉल्यूशन की पीडीएफ ओपन कर देता हूँ। कंप्लीट सॉल्यूशन की पीडीएफ देखिए, ये है कंप्लीट सॉल्यूशन की पीडीएफ 15 मार्च 2024 को जो 10th क्लास का ज्योमेट्री का महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम हुआ था। सो देखिए, जो फर्स्ट एमसीक्यू में इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए। ये करेक्ट आंसर क्यों है, इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा। याद रखना, बोर्ड एग्जाम में आपको एमसीक्यू में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना रहता। ये एक्सप्लेनेशन पीडीएफ में इस वजह से लिखा हुआ है ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आए कि ये आंसर कैसे आया। उसके बाद सेकेंड एमसीक्यू, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू डैश। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए, दैट इज वन। थर्ड एमसीक्यू, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज डैश। एक्स एक्सिस का जो स्लोप रहता है वो रहता है जीरो। फोर्थ क्वेश्चन, अ सर्कल हैविंग रेडियस 3 सेंटीमीटर देन लेंथ ऑफ इट्स लार्जेस्ट कॉर्ड इज डैश। सर्कल का रेडियस अगर 3 सेंटीमीटर है तो उसके लार्जेस्ट कॉर्ड मतलब डायमीटर का लेंथ कितना होगा, 3 × 2 दैट इज 6 सेंटीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन बी, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। ए बी इज टू पी क्यू गिवेन है 2:3। आपको दोनों ट्राइंगल के एरियाज का रेशियो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल हम लोग अप्लाई करेंगे, तो जो एरियाज का रेशियो आएगा वो रहेगा 4/9। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, दो सर्कल है, एक का रेडियस है 5 सेंटीमीटर, दूसरे का रेडियस है 3 सेंटीमीटर। दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये आपको बताना था। अगर सर्कल एक्सटर्नली एक दूसरे को टच करते हैं तो उनके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस रहता है वो दोनों सर्कल के रेडियस के एडिशन के इक्वल होगा। सो फर्स्ट रेडियस है 5, सेकेंड रेडियस है 3, सो 5 + 3 = 8 सेंटीमीटर। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पर स्क्वायर के डायगोनल का लेंथ है 10√2। आपको स्क्वायर के साइड का लेंथ कैलकुलेट करना है, सो स्क्वायर के साइड का लेंथ आएगा 10 सेंटीमीटर। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज 45 डिग्री, फाइंड द स्लोप ऑफ दैट लाइन। स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला होता है 10 थीटा, थीटा 45 डिग्री गिवन है, सो 10 45 डिग्री हो जाएगा 1। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2A, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज। देखिए, आगे का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने से पहले आप स्क्रीन पर ये जो कंप्लीट सॉल्यूशन की पीडीएफ देख रहे हो, इस पीडीएफ की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है। आप जैसे ही लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, पीडीएफ लिंक के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे, ये पीडीएफ वायलर्न ऐप में ओपन होता है, जो कि महाराष्ट्र बोर्ड का फ्री लर्निंग ऐप है। इस ऐप में आपको प्रीवियस सारे बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर्स, बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, चैप्टर वाइज टेस्ट, बोर्ड एग्जाम टाइम टेबल, बोर्ड एग्जाम पेपर पैटर्न, सारी चीजें इस एप्लीकेशन में आपको फ्री में मिलती है। सो चलिए अब आगे का सॉल्यूशन देखते हैं। ये जो एक्टिविटी वाला क्वेश्चन था, तो देखिए यहाँ पे 4 empty boxes गिवेन है, आपको इसे फिल करना था। तो फर्स्ट बॉक्स में आएगा इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, सेकंड में आएगा 120 डिग्री, थर्ड में आएगा मेजर आर्क एएक्ससी एंड फोर्थ में आएगा 120 डिग्री। उसके बाद सेकंड एक्टिविटी में देखिए 4 empty boxes है और आप इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हो यहाँ स्क्रीन पर, ए सी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा एंड 1। उसके बाद थर्ड एक्टिविटी में भी देखिए 4 empty boxes गिवेन है। सो फर्स्ट एम्प्टी बॉक्स में आएगा साइड, सेकंड में आएगा 196, थर्ड में आएगा पायर स्क्वायर एंड लास्ट एम्प्टी बॉक्स में आएगा 42। उसके बाद क्वेश्चन बी, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्कल का रेडियस 3.5 सेंटीमीटर गिवन है एंड लेंथ ऑफ आर्क गिवन है 2.2 सेंटीमीटर। आपको एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करना था, तो देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन में आपको हाइपोटेनियस का लेंथ कैलकुलेट करना था। अगर राइट एंगल ट्राइंगल के दो अदर साइड का लेंथ है 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे सिंपल पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आपका जो हाइपोटेनियस का लेंथ आएगा वो आएगा 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे देखिए ये डायग्राम गिवन है, इसके अंदर आपका एंगल NMS, इस एंगल को आपको कैलकुलेट करना था। तो देखिए यहाँ पे सिंपली इस फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करते हैं, देन हमारा एंगल का आंसर आता है 44 डिग्री। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पर आपको स्लोप ऑफ लाइन कैलकुलेट करना था, दो पॉइंट गिवन है, तो देखिए यहाँ पे स्लोप का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपका स्लोप का आंसर आएगा 2। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, यहाँ पर आपको सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कैलकुलेट करना था जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर गिवन है। सो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद बी, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। तीन पॉइंट गिवन है, ये कोलिनियर है या नहीं ये आपको बताना था। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसके अंदर स्लोप ऑफ लाइन ए बी कैलकुलेट करेंगे, स्लोप ऑफ लाइन बी सी कैलकुलेट करेंगे, दोनों इक्वल आ रहा है, इट मीन्स ये कोलिनियर है। सेकंड क्वेश्चन जो कि कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर गिवन है कि ए बी सी ट्राइंगल सिमिलर है ट्राइंगल एल एम एन के, ए बी सी के तीनों साइड्स का लेंथ गिवन है। सो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, जो सेकंड ट्राइंगल है एल एम एन, इसके तीनों साइड्स का लेंथ कैलकुलेट करना है। सो एम एन का आंसर आता है 4.8 सेंटीमीटर, एल एम का आंसर आता है 4.4 सेंटीमीटर और एल एन का आंसर आता है 3.6 सेंटीमीटर।
अब तीनों डायमेंशन आपको पता चल गया, तीनों साइड्स का लेंथ, देन आप इजिली ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे गिवन है सेगमेंट पी एम इज अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, पी एम का वैल्यू गिवन है 9 एंड पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इक्वल टू 290, देन फाइंड क्यू आर। सिंपली ये अपोलोनियस थ्योरम के बेस पे क्वेश्चन है, यहाँ पे अपोलोनियस थ्योरम आप अप्लाई करोगे तो देखिए ये कंप्लीट इसका सॉल्यूशन है, इसका फाइनल आंसर आएगा क्यू आर इज इक्वल टू 16 यूनिट्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ ट्राइंगल इंटरसेक्ट्स द रिमेनिंग साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देन द लाइन डिवाइड्स द साइड इन द सेम प्रोपोर्शन। सो देखिए इसका कंप्लीट प्रूफ है, आप देख सकते हो ये इसका कंप्लीट प्रूफ, ये इसका फाइनल स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन। देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। आपको यहाँ पे थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था 4 मार्क्स के लिए, यहाँ पे सिंपली आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करना था। देखिए ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है, आपका फाइनल थीटा का आंसर आएगा 45 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन में गिवन है कि एक सिलेंडर है जिसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर, उसके अंदर पानी भरा हुआ है अप टू द हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर, उसके अंदर एक स्फेरिकल आयरन बॉल हम लोग ड्रॉप करते हैं जिसकी वजह से सिलेंडर में जो वाटर है उसका लेवल बढ़ जाता है 6.75 सेंटीमीटर। आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो आयरन बॉल आपने ड्रॉप किया उस आयरन बॉल का रेडियस क्या था। सो देखिए ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है, आप देख सकते हो हम लोग एज्यूम करेंगे लेट आर टू बी द रेडियस ऑफ द आयरन बॉल, एंड देन उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग सिंपली वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर रेस्ट इस कंडीशन को यूज करेंगे। फॉर्मूलाज यहाँ पे अप्रोप्रिएट फॉर्मूला यूज करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला होता है 4/3πr³, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इसका फॉर्मूला क्या होता है πr²h। सो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, देन आपका फाइनल जो रेडियस आएगा वो रहेगा 9 सेंटीमीटर। तो जो आयरन बॉल ड्रॉप किया था आपने उसका रेडियस है 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है विद सेंटर ओ हैविंग रेडियस 3 सेंटीमीटर, एंड देन आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है पी ए एंड पी बी थ्रू द पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल सच दैट एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था। इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखिए इसका फाइनल कंस्ट्रक्शन का डायग्राम कुछ इस तरह से आएगा। इसके अंदर आपको सबसे पहले एंगल ए ओ बी कैलकुलेट करना था, तो देखिए ए ओ बी का कैलकुलेशन यहाँ पर आप देख सकते हो, कंप्लीट ए ओ बी का कैलकुलेशन, ये इसका फाइनल कंस्ट्रक्शन का डायग्राम है। क्वेश्चन नंबर 5, इसके अंदर गिवन है ए बी सी डी इज अ ट्रापीजियम, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, डायगनल्स ऑफ ट्रापीजियम इंटरसेक्ट इन पॉइंट पी, राइट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है ड्रॉ द फिगर यूजिंग गिवन इन्फॉर्मेशन, तो देखिए ये गिवन इन्फॉर्मेशन के बेस पे एक फिगर हमने बनाया। सेकेंड है राइट एनी वन पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स एंड अपोजिट एंगल्स। सो इस डायग्राम में जो अल्टरनेट एंगल है वो है ए बी डी एंड बी डी सी। सो ए बी डी एंड बी डी सी ये क्या, ये अल्टरनेट एंगल है। अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स मीन्स वर्टिकली अपोजिट एंगल की यहाँ बात हो रही है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से हो गए, एंगल ए पी बी इस वर्टिकली अपोजिट एंगल सी पी डी। सो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ए पी बी एंड सी पी डी। उसके बाद यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स विथ टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो देखिए ये वाला जो ट्राइंगल है ट्राइंगल ए पी बी, ट्राइंगल ए पी बी सिमिलर है ट्राइंगल सी पी डी के कौन से टेस्ट से, ए ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर गिवन है ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ, ए ओ सी इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल, ए टी इज अ टेंजेंट एट ए, राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द फिगर यूजिंग गिवन इन्फॉर्मेशन, सेकेंड है फाइंड मेजर्स ऑफ एंगल सी ए टी एंड ए बी सी विथ रीजन्स, थर्ड है वेदर सी ए टी एंड ए बी सी आर कॉन्ग्रेंट जस्टिफाई योर आंसर। तो फर्स्ट सबसे पहले जो आपको फिगर ड्रॉ करना था, तो देखिए ये इसका फिगर है, एंड देन आपको सी ए टी एंड ए बी सी का एंगल लिखना था। तो देखिए जो एंगल सी ए टी है ये क्या रहेगा, ये 90 डिग्री रहेगा बाय टेंजेंट थ्योरम, एंड देन उसके बाद एंगल ए बी सी आपको पता लगाना था, एंगल ए बी सी ये भी 90 डिग्री रहेगा, क्यों, इंस्क्राइब्ड एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। एंड देन उसके बाद फिर थर्ड क्वेश्चन में आपको बताना था सी ए टी एंड ए बी सी कॉन्ग्रेंट है यानी यस दोनों कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि दोनों का जो एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है 90 डिग्री, हैंस दे आर कॉन्ग्रेंट। सो ये कंप्लीट सॉल्यूशन था। प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने सभी 10th क्लास के फ्रेंड्स को शेयर करें। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको इस तरह से सभी क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे।